हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स एंड पॉट्स। आज हम सीड्स लगाने वाले हैं अरायोकार्पस की। ये सीड्स मेरे पास रिसेंटली आए हैं, अभी 2 डेज़ बैक। जो इसकी सीडलिंग हम जैसे अभी तक हम कैक्टस और सकुलेंट्स की सीडलिंग हम करते आए हैं, नीचे हमने बजरी मिट्टी ही लिया है, ऊपर जो सॉइल राइट है उसको हमने पूरा अच्छे से वेट कर लिया है वाटर से। इसमें ऑलरेडी जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें कोकोपीट, वर्मुकोलाइट, पर्लाइट और आयरिश मॉस का ये ब्लेंड है। अगर आपके पास ये सॉयलाइट पॉटी मिक्स नहीं है तो आप 60% कोकोपी, 20% वर्मुकोलाइट और 20% पर्लाइट ले सकते हैं। इसको पॉट रेडी करके आप उसको पानी देके इसको रेडी रखिए। मैं काउंट करके इसमें 10 सीड शो करूँगा। इसके सीड फिर भी डिसेंट है, रिजिडस में और रेब्यूटिया साइज के ही हैं, काउंट करने में भी इशू नहीं होगा। ये देखिए, इसमें ये टोटल मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ इसके सीड्स। ये देखिए, ये टोटल हम इसके सीड्स अराउंड 15-16 सीड्स हम सो करेंगे। इसको फिर ऐसे टॉप पे स्प्रेड करेंगे, इसको हम कवर नहीं करेंगे किसी भी चीज़ से, और इसको हम ऐसे फिंगर से प्रेस कर देंगे ताकि इसका कनेक्शन जो है वो टोटल सॉइल मिक्स हो जाए। और इसको एक जिप लॉक लेके को हम इसमें प्लेस कर देंगे और इसको हम सेमी शेड में रख देंगे, ऐसी जगह जहाँ पे अगर मॉर्निंग की 1-2 आवर सनलाइट आए तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इसको टोटली जिपलॉक का हिस्से एयर ना निकले ताकि इसमें ह्यूमिडिटी फुल 10-15 डेज तक बनी रहे, तभी इसमें जर्मिनेशन होगी। इसके आगे की वीडियो में आपको बना के देता रहूँगा। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो जिब्बम की जर्मिनेशन पर आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।